जो हारा होता है वो इस हद तक रोकने की कोशिश करता है, फोन मिलाता है एसपी को, डीएसपी को, रेंजर को, आईजी को, डीआईजी तक कोशिश करता है कि मेरी आवाज जाए। सर जुलूस निकला हुआ है, मेरे घर के सामने से जुलूस ना गुजरे, लाशें बिखर जाएगी, खून खराबा होगा, खबरदारी का जुलूस ना गुजरे, इसका रास्ता चेंज करें मेरे घर के सामने से, ये जुलूस ना गुजरे, वो रोकता है जीतने वालों को। कि हम पूरे मुहर्रम में, सफर में, और जब भी कोई इमाम का दिल होता है, इमाम का ताबूत लेकर, इमाम का जुर्जना लेकर, मौला गाजी का आलम लेकर, सदादा अली असगर का झूला लेकर, मौला अब्बास का मशकीजा लेकर, उसके साथ तीर लगा के, सुलझना के साथ तलवार लगा के, पूरी दुनिया पे साबित करते हैं, एहतजाज करते हुए कि इस निशान वाले जीत गए, इस निशान वाले जीत गए, इस निशान वाले जीत गए हैं, इस निशान वाले जीत गए, और तू मस्जिद से ऐलान करके रोक के ये साबित करता है कि ये जीतने वालों का जुलूस है, और जो बोलते हैं वो रोकने वाले तो रुके, तलाश करें। वो हुसैन को हकदार नहीं हो सकते, हुसैन को हकदार नहीं है, जमातदारों को सभी ने देता है, जो जंजीरदारों को उठाता है, जो मातमियों के लिए रास्ते साफ करता है, वो हुसैन अलैहिस्सलाम का हकदार है। आओ हुसैन से मोहब्बत करो, हुसैन का आलम उठाओ, हुसैन के दुर्जना का इस्तकबाल करो, उसके बच्चे शहजादी अली असगर के झूले का एहतराम करो। हाय दोस्तों, अजीजों, ये बालम आबास बरामद होगा, ये आलम सरकार हजरत अब्बास आलमदार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तौसलाम ने करबला के मैदान में सुपुर्द किया और फरमाया अब्बास जान चली जाए मगर ये मेरे लश्कर का आलम है, इस पे आंच ना आए। वफादार गुलाम ने अर्ज किया आका इंशाल्लाह इस आलम पे आंच नहीं आएगी। अजीजो अजादारो, 40 बच्चे जो करबला के मैदान में पुकारे अल अतश अल अतश अल अतश, उसी को दरा रहे हैं। तो हम कुरान को देख ही तो कर रहे हैं, सलावत पढ़ते हैं बाबा आज बोले। ये जिक्र है कल में जो मैंने अर्ज किया, रसूल खुदा जब मेराज में गए, किताब का नाम मआरिज नबुव्वा, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी की लिखी किताब है, दूसरी किताब शवहद नबुव्वा, तीसरी किताब मिश्कात अल गतीब, कि जब पैगंबर मेराज के पे गए और चौथे आसमान पे पहुंचे, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया ने यही बात है, क्या अली को जानते हो? तो किताबों में लिखे कि आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों ने कहा, पैगंबर क्यों नहीं? जब तक हमने अल्लाह की तौहीद के बाद तेरी रिसालत का इकरार नहीं कर लिया और तेरी रिसालत के बाद तेरे भाई अली की वलायत का कलमा नहीं पढ़ा, खुदा ने ताज नबूवत पहनाया ही नहीं। वाह 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 वाह, हमें नबूवत मिली है तो अली के सदके में। फिर पैगंबर फरमाते मैं अर्श आज़म जो जन्नत का दरवाजा था उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना
अलीयुन वलीउल्लाह हक्कन हक्कन हक्का। वाह वाह जन्नत के दरवाजे। या शरीफ इमरान जी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी में नगीना था उस अंगूठी की तहरीर थी वो हम है। जाग रहे आप लड़ाई की बात नहीं, झगड़े की बात नहीं, इलम की बात करो। बेहतर फिर क्या है ना, सबको एक लाइन में खड़ा कर दो। वो एक तराश करना है, वो एक कौन सा है, सबको लाइन में खड़ा करो। अव्वल से लेकर पहले से लेकर वो जो 72 तक है वो यही सुनाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म, तीसरा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म। 72 तक कलमा यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो फकत सिर्फ शिया कलमा है, हदवा फिरका जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन। वाह 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 अच्छा, अगर अभी भी पता नहीं चला तो फिर मैं हदीस रसूल सकरान पढ़ता हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया समय के मोहता में अलावा इब्ने हाजर मक्की मक्का के मुफ्ती अलावा हिजर इब्ने हाजर मक्की ने लिखा कि मैंने ये हदीस कोट की है, सहाबा से हदीस है, ये सही है, सही नकल किया है, इसकी रवायत के मुतल्लक शक नहीं है। पैगंबर खुदा ने फरमाया या अली अंता बशियतुका हुमुल फायजून यौमल क़यामा, यानी तो जन्नत में जाएंगे, मजहब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर करार होगा। अब 73 समझ में आ गए कि 72 कौन है और 73 ये जो 73वां फिरका है ये ऐसा फिरका है। पैटर्न पाक मिलेंगे तो इनसे 12 इमाम मिलेंगे तो इनसे और अमर मिलेगा तो इनसे इमाम बारगा मिलेगा तो इनसे और कहीं भी इमाम बारगा नहीं। एक तबर्रक का इशारा है, अल्लाह कुरान करीम में कलमा का इशारा करता है। अतीउल्लाह व अती रसूला व उलिल अमर मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अमर की। पूरे कुरान मजीद में कहीं भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इकट्ठा कलमा कहीं भी मुसलमानों का नहीं मिलेगा। ये एक ही वो मकाम है जिस पे कलमा मिलता है, अतीउल्लाह व अती रसूला व उलिल अमर मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अमर की। हमने इस आयत को समझा अल्लाह की इताअत की, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूल की इताअत की, पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उलिल अमर की इताअत की तो पढ़ा अलीयुन वलीउल्लाह। वाह 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 बड़े जोर से नारा आया है सुना आपने, और आप भी नारे लगाने की भी आते हैं। नारे ये जाकर और खतीब की हौसला अफजाई के लिए नहीं होता, नारा सलावात वाह वाह करना, सुभान अल्लाह करना। पांच मौला फरमाते हैं जब हम अहले बैत का जिक्र हो, माशाल्लाह कहो, तैयब अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। पांचवें वाला फरमाते हैं कि हम आले मोहम्मद के फजाइल की ताईद होती है, एक बुलंदर सवाब है रसूल की और उलिल अमर की।
एक वली अल्लाह है, दूसरा रसूल है, तीसरा वो है जो हाल दरगू में ज़कात देता है। उस्मान तलाश करो वो तीसरा वली कौन है जो हाल दरगू में ज़कात देता है। मैं किताब का नाम बता देता हूँ, अहले इस्लाम की बरादरान इस्लाम की मोहतबर किताब है मिश्कात शरह मिरकात, जो कि शेख किताब में है, सफा नंबर 366 है। इसमें लिखा है कि सरकार हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हाल तरकू में, जबराइल आए, सवाल किया ज़कात का कि मुझे ज़कात दीजिए। अब जब ज़कात ना मिली तो उसने शिकवा किया, खुदा बंदा मैंने तेरे घर के सवाल किया ज़कात का, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाते हैं कसम ज़ात इलाही की जिसके कब्ज़े कुदरत में जान है कि सरकार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उस साहिल की तरफ अपनी अंगूठी कर दी। जब्राइल हालत रुकू में